मंत्री जी आपने कहा कि अगले 5 साल में जो हम लोग करेंगे उसको बताएंगे, क्या आपके अगले 5 साल में विशेष राज्य का दर्जा एजेंडा है या नहीं, क्योंकि इसके पहले हर एक चुनाव में आप विशेष राज्य दर्जे की मांग करते आए हैं। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो हर एक बिहारी चाहता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। केंद्र सरकार के जो नियम कानून बने थे यूपीए में, उसके बाद से विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले या विशेष आर्थिक सहायता मिले, जिस परिस्थिति में बिहार का आगे विकास हो सके उसका हम प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार उसमें हमें सहयोग भी कर रहा है और जिसके चलते कुछ कुछ पैकेज आए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मुझे और आर्थिक पैकेज मिलेगा जिससे हम बिहार का आगे विकास कर सके और जो विशेष राज्य का दर्जा है वो उसके बावजूद भी मिल जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आगे प्रयास करते रहेंगे। विपक्ष हमेशा यह कहते रहा है कि बिहार में विकास कैसे करेंगे जबकि सुई का कारखाना भी नहीं लग पाया है, तो आखिर कैसे आप लोग सोच रहे हैं कि आगे एक व्यक्ति को अब आप एक व्यक्ति को ऐसी गाड़ी मिले जिसका न टायर है न बैटरी है न हॉर्न है न हेडलाइट, ऐसा ही गाड़ी मिला नीतीश कुमार को ना। नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में इस प्रदेश की मूल संरचनाओं का विकास किया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। क्या कारण था कि दूसरे जगह का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता था? क्योंकि ना आपके पास बिजली थी ना आपके पास सड़क थी, तो जो लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे उसका उत्पादन कहाँ लेके जाएंगे? जनरेटर पर कितना इंडस्ट्रीज लग सकता था? तो ये 18-19 में तो हमारा बिजली का विद्युतीकरण पूरा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो आने वाला 15-5 साल होगा उस कार्यकाल में हम इस प्रदेश में इंडस्ट्रीज को मिलाने के लिए जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं उस पर हम काम करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंडस्ट्रीज उद्योगिक लोग ग्रामों को लाने में सक्षम हो पाएंगे क्योंकि हमने वो जो बेसिक हमारा है उसको हमने तैयार कर लिया है। केंद्र से जो हमारी जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप सहायता नहीं मिल पाया, तो हम लोग UPA 1 UPA 2 में भी संघर्ष करते रहे और बोलते रहे और क्योंकि बिहार का सबसे घनत्व वाले जनसंख्या वाला प्रदेश है इसलिए हम हमेशा विशेष सहायता मांगते रहे क्योंकि हमको आगे आने के लिए जब तक हमें विशेष सहायता नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी ताकत पर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारा पुराना प्रिंसिपल राज में उस पर कायम है। सर, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में और हमें सहयोग करेंगे, जिस तरह से सहयोग उनका जारी है आने वाले भविष्य में भी हमें सहयोग मिलेगा। सर, क्या एजेंडा बदलेगा अगर 2020 के चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनाने की स्थिति आई तो 7 निश्चय जिस पर आप चल रहे हैं उसको महागठबंधन का एजेंडा बनाया सरकार बनने देंगे माननीय नेता को? धन्यवाद। स्टेट आया है, मैं सिर्फ आप साथियों से इसलिए चर्चा ये कर रहा था कि आज अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो 2022 में या 24-23 में हर एक घर पाइप वाटर पहुँचेगा, बिहार 2020 में ही हर एक घर में पाइप वाटर पहुँचा दे, 2016 आया 18 में हर घर नल का जल और बिहार सरकार 2016 से ही इस पे काम कर रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड कुछ सेक्टर में काम हुआ है और ये कुछ सिस्टम बिल्ड हुआ है। तो अगला जंप अगर जब बिहार मारेगा, अगला जंप बिहार में वही है जब आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, जो और अपॉर्चुनिटी है या हर एक खेत को पानी के मुख्यमंत्री ने बताया है आपने, अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो सब खरीद ले जाएंगे। तो मैं ला कि आज के डेट में हम लोग इंजीनियर्स डे है जो उनके द्वारा क्योंकि खुद भी पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है, बहुत सिंसियर चीज है जो बेसिक कॉमन सेंस होना, बेसिक एजुकेशन होने से आदमी का वाइड होराइजन होता है, सोच आपका चौतरफा बढ़ता है क्योंकि वो खुद पटना साइंस कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए और साइंटिफिक माइंड एक अपने ही IIT का नहीं NIT का है, वो एनालिटिकल माइंड होता है, वो सोच विचार करके चीजों को करते हैं। ये इंजीनियर स्टेप पे मैं सारे अपने साथी जो इंजीनियर हैं जो इस बिहार को बिल्ड करने में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मैं सबको शुभकामना भी देता हूँ और मैंने कुछ फैक्ट्स बताए जो इस 15 साल में इस स्टेट में जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो अशोक चौधरी जी का विभाग का बनाया हुआ म्यूजियम इंटरनेशनल अवार्ड का है, कोई भी मतलब कहीं भी जाइए
दुनिया की बात में तो उसके पैरल कंक्लूजन खड़ा हो सकता है। इसी सरकार इसी हम लोग के तो लाइफ टाइम की सच ही हो रहा है ना, आग से देखता ही सच वहाँ नहीं था और इतना बड़ा म्यूजियम या जो भी इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया गया है आई आई टी आई एम बिहार में हो तो कभी सपने में भी नहीं सोचा या एम्स बन जाएंगे या अभी हम लोग जिस एरिया से आते हैं उसी में लोग हमको बताया कि मैं गया था कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो ट्रैक्टर पर जाते थे निर्मली से उससे देखने के लिए कैसे बचे, आज उस पर ट्रेन चलने वाला है अगले पाँच साल। हम लोगों का मिथिला दोनों अलग अलग था, रात भर जर्नी करते थे उस मिथिला में जाते थे, अब आधा घंटा में पहुंच जाए। तो अटल जी के समय में और रेल मंत्री थे नीतीश कुमार देर, तो ये सिचुएशन बिल्ड हो गया है। हम लोग आने वाले चुनाव में अपने काम जो 15 साल का कामकाज है और आगे जो 5 साल का हमारा जो मुख्यमंत्री का विजन है उसी मुद्दा पर चुनाव में जाएंगे और जनता तय करेगी कि जो हम लोग कह रहे हैं लोगों के बीच में 15 साल काम किया है और खास करके इस 5 साल में जो काम वो तय करेगी। हमने आंखों से आप लोगों को समझाया कि कैसे एक इंजीनियर नेतृत्व ने इस प्रदेश के नव निर्माण में अपनी भूमिका का निर्माण किया और इंजीनियर डे में हम पूरी पार्टी की तरफ से पूरे देश के सभी इंजीनियरों को बधाई देते हैं और जो लोग पढ़ते नहीं हैं और जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं उनमें वही फर्क होता है जो एक अप्रोच और ब्रिज में फर्क है। जिनको ब्रिज और अप्रोच में समझ नहीं है वही फर्क है एक पढ़े लिखे लोग में और एक इंजीनियर में। तो हम समझते हैं कि देश इस प्रदेश को 21वीं सदी का बिहार का सपना जिसने देखा है और जो चाहते हैं कि ये प्रदेश को हम अपनी पुरानी विरासत और वैभव को वापस पा सकें और जो एक 15 साल का कार्यकाल था जो नई पीढ़ी को चरवाहा विद्यालय भेजना चाहता था और एक 15 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल है जो इस प्रदेश में NIT IIT BIT चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी चंद्रगुप्त मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाकर इस प्रदेश के 3800 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बना करके अपनी नई पीढ़ी को सृजित करने का काम कर रहा है। तो एक नेतृत्व जो सशक्त और मजबूत होता है वही इस तरह का सपना देखता है और इस तरह का निर्माण करता है।